किचन में अर्जुमन मंसूर आपको खुशामदीद कहती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज आपको बआसानी मिल सके। आज हम आपको बहुत ही मजेदार से दोपहर का खाना बनाना सिखा रहे हैं। आज हम आपके लिए ताहिरी बना रहे हैं। ये मैंने 1.5 किलो आलू है जो मैंने काट के रखे हुए हैं। इसके साथ ही मेरे पास ये 4 से 5 हरी मिर्चे हैं, हरा धनिया है, इसके साथ कड़ी पत्ता है, गरम मसाले में मेरे पास तेज पत्ता है और मेरे पास दालचीनी है, 2 मेरे पास जो है वो बड़ी इलायचियां हैं, चंद लौंगे और चंद दाने काली मिर्च के। इसके साथ ही मेरे पास ये 2 टेबल स्पून भर के जो है लाल मिर्च पाउडर है, इसे आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मेरे पास हल्दी पाउडर है। इसके साथ ही मैंने 3 प्याज है जो काट के रखी हुई है। इसके साथ ही यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है मगर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले हमने पतीली में तेल डाला, ये तकरीबन मैं 1 कप के करीब तेल डाल रही हूँ इसके अंदर, और मैं इसको फ्राई करके फिर निकाल के आपको दिखा। अब आप देख सकते हैं कि ये प्याज जो है मैंने फ्राई करके बाहर निकाल लिया है। अब आइए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और जीरा ये मैंने इसमें शामिल किया। साथ ही मैंने इसमें ये आलू शामिल कर दिया। इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का शामिल करूंगी। 2 से 3 मिनट तक मैंने ये आलूओं को फ्राई करने के बाद ही मैं इसमें ये हल्दी मैंने पानी में भिगो के रखी थी वो डाल दी, और इसके साथ ही मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी ताकि ये आलूओं के साथ अच्छे से फ्राई। देख सकते हैं आलू हम जितनी देर में फ्राई करेंगे ये मसाले के साथ भुनने में ही गल जाएंगे। इस मौके पर मैं इसमें जो कड़ी पत्ता मैंने आपको दिखाया था वो शामिल कर दूंगी। बहुत ही सादे तरीके से हमारे यहाँ ये तहरी तैयार होती है लेकिन बहुत ही मजेदार होती है। इस मौके पर मैंने हरी मिर्चें डाल दी, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डाल दें और न डालना चाहे तो ना डालें। धनिया डाला मैंने, फिर मैं आलूओं को फ्राई दोबारा कर। आज इस मौके पे तेज ही रखिएगा। मौके पर मैं इसमें 3 टेबल स्पून नमक शामिल करूंगी, आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिए। अब इस मौके पर मैं इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी शामिल करूंगी और इसके उबाल आने का इंतजार करूँ। अच्छा, 1.5 किलो आलूओं के लिए ये मैंने तकरीबन 1.25 किलो चावल लिए हैं जिन्हें मैंने 20 से 25 मिनट तक भिगो दिया था। ये आप देख सकते हैं ये भीगे हुए चावल हैं, पानी मैंने इसका निकाल दिया है। जैसे ही आलूओं का पानी जो है वो बॉईल होना शुरू होगा मैं इसमें ये चावल शामिल करूंगी। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है, इस मौके पर मैं इसमें तमाम चावल शामिल करूंगी। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स किया। अच्छा, ढकना मैं अभी नहीं लगाऊंगी जब तक के ये आधे से ज्यादा पानी खुश्क ना हो जाए, फिर मैं इस पे ढकना लगाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि आपको चावल नजर आना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा पानी के बबल्स नजर आ रहे हैं। इस मौके पर मैं नीचे तवा लगाऊंगी और इनको दम लगाऊंगी और थोड़ा सी जो मैंने प्याज सोख करके निकाली थी वो मैं इसके ऊपर इस तरह से डालू। नीचे तवा लगा के अब मैं इसको दम लगा। आप देख लीजिए ऊपर मैंने प्याज डाल दिए, ये कपड़ा लगा दिया और मैंने आंच हल्की कर दी है। इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक मैं दम लगाऊंगी, आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए तकरीबन 7 मिनट हो चुके थे मुझे दम लगाए हुए, ये आपके सामने है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। झटपट तैयार होने वाली ये ताहिरी, आपने देखा मैंने कितने कम मसाले इसमें इस्तेमाल किए। हर वो मसाला है जो घर में मौजूद होता है, इंतहाई मजेदार होती है। अपने बच्चों को खिलाइए, खुद इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी सी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।